नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोनो ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और बनाना उतना ही आसान है। अक्सर लोग बोलते हैं कि जब हम साबूदाना भिगाते हैं तो हमारा साबूदाना अच्छे से फूलता नहीं है, और जब हम उसका खिचड़ी बनाते हैं तो हमारी खिचड़ी एकदम चिपचिपी सी बनती है, तो खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो आज सारी बातें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको साबूदाना भिगाना है और कैसे आप खिचड़ी बनाना है कि खिचड़ी बनने के बाद भी एकदम खिला खिला बने। तो इसके लिए वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आधी कटोरी साबूदाना लिया था जिसे हमने भिगा के लिया है। तो भिगाने से पहले इसे दो तीन पानी अच्छे से धोना है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए, और जितना साबूदाना आप लेंगे उसके बराबर ही पानी डाल के इसे भिगा देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो देखिए हमारा अच्छे से फूल गया साबूदाना। तो जब ये 3 से 4 घंटे बाद आप देखेंगे तो एकदम खिला खिला साबूदाना होगा, पानी ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा। अब यहाँ पे हमने लिया है 2 आलू जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा पीस नहीं है। तो इसे भी रख लेते हैं साइड में। अब चलते हैं पैन की तरफ। तो पैन कढ़ाई आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे घी, तो हम ये व्रत वाली रेसिपी बना रहे हैं तो इसमें हम घी डालेंगे। आप बिना व्रत वाला बना रहे हैं तो आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है सेंगदाना मूंगफली, इसे हमें रोस्ट करना है तो घी में हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट की हुई मूंगफली अच्छी लगती है खाने में। तो गैस का फ्लेम अभी हमने लो टू मीडियम रखा है। मूँगफली चटकने तक अच्छे से इसे बराबर चलाते रहें ताकि एक जैसा कलर आए और एक जैसा मूँगफली हमारा भून के तैयार हो। तो देखिए चिटकने लगी तो इसे हम निकाल लेते हैं। हमारा अच्छे से भुन गया, कलर देखिए कितना प्यारा आया है। अब इसमें डालते हैं जीरा। तो यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच जीरा लिया जिसे हमने थोड़ा सा धो लिया है, तो जीरा को चटकने दें। अब इसके बाद इसमें डालते हैं थोड़े से कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते यदि आप व्रत में खाते हैं तो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। यदि नहीं खाते हैं तो आप स्किप करिएगा। इसमें हमने 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाला है। थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसमें आलू डाल लेंगे। तो आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए हमने 2 आलू लिए हैं तो इस तरह से पीस रखे हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। तो आलू को थोड़ी देर से भूनेंगे जीरे और मिर्ची और कड़ी पत्ता के साथ। इसमें हमने 1 पिंच नमक लिया है, व्रत वाला नमक है, जिससे हमारा आलू जल्दी से पक जाए। तो आलू जितना है उसके हिसाब से ही नमक लिया है। इसको हमने ढक दिया था, गैस का फ्लेम धीमा रखा था। तो थोड़ी देर बाद चेक करते हैं और एक बार अलट पलट देते हैं तो हमारा आलू अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया से पक रहा है। इसमें हमने पानी नहीं डाला है, आलू के अंदर जो पानी है उसी भाप से ये पक रहा है। तो देखिए अच्छे से इसे हमने अलट पलट दिए, फिर से ढक देंगे पकने तक। बीच बीच में आप चेक करते रहिए। तो देखिए थोड़ी देर बाद फिर हम इसको चेक करें तो देखिए हमारे आलू पक गए हैं। आपको कट करके दिखाते हैं, ये देखिए आलू पक गए हैं। तो यदि आप कच्चा आलू नहीं लेना चाहते हैं, आपके पास उबला आलू पहले से, तो आप उबला आलू भी ले सकते हैं। तो अब इसमें डाल देंगे हम साबूदाना। तो देखिए साबूदाना आप देख पा रहे हैं कैसे मोती जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल एक एक दाने अलग हैं। तो जितना हमने साबूदाना लिया उसके हिसाब से हम नमक डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया अच्छे से डालिएगा, हरा धनिया का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथ से चलाइएगा, हमारे आलू टूटने नहीं चाहिए, पीस पीस दिखता है तो अच्छा लगता है। अब हमारा साबूदाना भी अच्छे से पक जाए इसके लिए देखिए हमने केवल 1/2 चम्मच लिया है पानी, बिल्कुल 1/2 चम्मच लिया है पानी, और इसको हमने थोड़ा सा डाल दिया ताकि इसमें भाप बन सके और हमारे साबूदाना अच्छे से पक सके। तो ये देखिए कितना बढ़िया से हमारा साबूदाना पक गया। तो आप गैस का फ्लेम धीमा ही रखिएगा, तेज मत करिएगा, धीमी फ्लेम पे अच्छे से पक जाता है। तो देखिए 3 से 4 मिनट के बाद हम दिखा रहे हैं अच्छे से पक गया है। अब जो यहाँ पे हमने मूंगफली भून के रखा है इसे भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप यदि खड़ा नहीं पसंद करते हैं तो आप दरदरा भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, एकदम चटपटा सा स्वाद हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। व्रत में आप पूरा प्लेट भर के इसे अकेले ही खा लेंगे और पूरा दिन आपको भूख नहीं लगे, इतना जो है कि ये अच्छा लगता है खाने में और पूरा दिन पेट भरा भरा रहता है। इसमें फाइबर की मात्रा इतनी अच्छी होती है। तो देखिए साबूदाना कैसे खिला खिला है, बनने के बाद भी बिल्कुल चिपका नहीं, अलग अलग सारे पीस हैं। और देखिए इतने अच्छे से हमारा साबूदाना पक गया है, बिल्कुल कच्चा नहीं है।
तो ऊपर से हमने धनिया डाल दिया है और ऊपर से और हमने मूंगफली रखा था तो ऊपर से इसे मूंगफली भी डाल देंगे तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो यह व्रत की रेसिपी है तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। हमारे यहाँ तो हर समय व्रत कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं दबा के कितना बढ़िया से पका है। देखिए दोनों को हम दबा रहे हैं फिर भी ये मिक्स नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो इतना अच्छा से हमारे पक के तैयार हुआ, एकदम खिला खिला अलग अलग दाने हैं और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हम इसी तरह से आसान और टेस्टी रेसिपी आपके लिए लेके आते रहें। आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पे हमने बहुत सारी व्रत की रेसिपी डाल रखी है, आप उन्हें भी ट्राई करिए। यदि उनमें से कोई आप रेसिपी ट्राई किए हैं और आपकी कैसी बनी है तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होती है जब आप सब बोलते हैं कि आपकी बनाई हुई रेसिपी हमने बनाई और हमारी अच्छी बनी, घर में सब ने पसंद किया, तो यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होती है। आज के बाद आप भी इस तरह से खिला खिला साबूदाना खिचड़ी बना पाएंगे। आप चाहे व्रत के लिए बनाएं चाहे बिना व्रत के लिए बनाएं, सब में बहुत अच्छा लगता है। आप बिना व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप हल्दी पाउडर डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, कुछ और मसाला ऐड करना चाहते हैं तो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यदि व्रत में बनाएं तो आप यही सब चीज़ डालिए। मेरे यहाँ तो ये सब चीज़ें खाई जाती हैं इसलिए हमने ये सब चीज़ें डाली हैं। आपके यहाँ जो चीज़ें इनमें से नहीं खाई जाती हैं आप उनको छोड़ सकते हैं, उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। तो देखिए हमारा खिला खिला साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार हो गया है, तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और जैसा भी आपका बनता है प्लीज़ हमें बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और रेसिपी के साथ। जय हिंद।